जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप चैनल पर। आज की बात करेंगे MES जी हाँ, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में आपकी बेहतरीन वैकेंसी आ गई है। कितनी वैकेंसी आई है और किस तरह से इसका सिलेक्शन लेना है, आपको मैं कुछ जानकारी देने वाला हूँ इस वैकेंसी रिलेटेड कि आपकी ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी, सिलेबस क्या क्या है और किस तरह से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े लार्ज स्केल पर वैकेंसी आने वाली है। आपको पता है कि MES की पहले वैकेंसी आती थी तो आपको उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती थी। इस बार आपको जानकारी इसलिए मिल रही है कि ये लार्ज नंबर पे वैकेंसी निकल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो 41,000 वैकेंसी आपके सामने आने वाली है। अब इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी तो आपको पता है कि जनरली आपको पता चल ही जाएगा कि आपकी वैकेंसी आने वाली। पहले क्या होता था, कुछ चंद ही वैकेंसी आती थी जिससे कि आपको पता ही नहीं लगता था कि आपकी वैकेंसी आई है या नहीं आई। और आपको पता है कि इसकी जो वैकेंसी निकालने वाले हैं वो SSC निकालने वाला है। ये कंफर्म नहीं है कि SSC निकालेगा, आर्मी अपने खुद ऑन बेसिस पे भी इस वैकेंसी को निकाल सकता है। की बात करें तो 41,822 वैकेंसी आपके सामने निकल के आ रही है। तो यही सब बात करने वाला हूं कि आपको इजीली सिलेक्शन इसमें कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए कि भाई आपको किस तरह से सिलेक्शन लेना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बात करने वाले हैं IRB मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन की बेहतरीन बुक के बारे में जो कि निकल कर रही है चक्षु पब्लिकेशन तरफ से। इसमें आपको 2800 प्लस बहुओं के लिए प्रश्न लेंगे और नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह बुक आधारित है, तो काफ़ी अच्छी बुक है। इसको आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो IRB में अगर आप एक भर्ती चाहते हैं, अपनी पोस्ट सिलेक्शन चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए अच्छी हो जाती है। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी है कितनी। नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए, ग्रुप ए 44 वैकेंसी है IT कैडर की, उसके बाद स्टोर ऑफिसर की 120 वैकेंसी है, सुपरवाइजर की आपकी 543 वैकेंसी है, उसके बाद 944 वैकेंसी है, स्टोर कीपर की 1026 वैकेंसी है, मल्टी टास्किंग MTS की कितनी वैकेंसी है आपकी 11,316 वैकेंसी है, और मेट की कितनी वैकेंसी है 27,920 वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 41,822 वैकेंसी हैं। और इसका सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहने वाला है, आपको पता है कि फिजिकल कुछ ट्रेड के लिए फिजिकल होता है, सभी के लिए नहीं होता। और जो ट्रेड्स फिजिकल वाली हैं उसकी मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दी है। अगर मैं फिजिकल की बात करूं कि किस किस में होता है, तो मैंने आप वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बताने वाला हूं कि आपकी पहले रिटिन होगा, रिटिन के बाद पे आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात मैंने कर ली है, अब मैं बताता हूं इसमें सिलेबस क्या है, क्योंकि सिलेबस अगर आपने जान लिया तो आप इजीली इसको पास कर लेंगे। सिलेबस क्या है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग है आपकी 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के होंगे। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर का, और जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और मार्क्स की बात करें तो 200 नंबर इसमें आपका होने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होने वाला है। टाइमिंग की बात करें तो 1 घंटा आपको सीधा सीधा यहाँ पर मिलने वाला है। पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी जो वैकेंसी है वो इतनी नहीं आती थी, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म आते थे, भर देते थे, SSC इसको निकालती थी, पता नहीं चलता था। वैकेंसी बड़ी है, सभी तरफ हो हल्ला हो रहा है, तो आपको इस पे विशेष ध्यान रखना है कि ये वैकेंसी आपके हाथ से निकलना ना पाए। सिलेबस मैंने बता दिया है, आप किसी का भी पेड कोर्स ना लें, क्योंकि अभी सियोरिटी नहीं है कि आपकी वैकेंसी कब आए। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ कि ये इंटरनल नोटिस था, एक विभाग से दूसरे विभाग या एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस का ये कॉरेस्पॉन्डेंस था, वहीं से ये बात लीक हुई थी कि 41,000 प्लस आपकी वैकेंसी आने वाली है। अब उसी के बिहाफ पे सभी अपने अपने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको उसमें किस तरह से एफर्ट्स डालने हैं कि आप इसमें सिलेक्शन ले सकें। तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ली और ये सब मैंने बात कर ली, अब वैकेंसी आएगी कब आएगी। देखिए, ट्रेड्स मैन वाली वैकेंसी जो आपकी चल रही थी उसमें बताया गया था कि 25 तारीख से आपके जो ट्रेड चेंज कर सकते हैं, 25 तारीख से लिंक ऑपरेट हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं हुआ। वैसे ही इस नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि इस नोटिफिकेशन को निकालने के एक हफ्ते के बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी। 2 तारीख हो गई है आज, 2 अगस्त, अभी तक कुछ आता पता नहीं है। तो आप किसी का भी पेड प्रमोशन या पेड कोर्स ले सकते हैं, पेड कोर्स ले लेंगे तो उसके बाद यार कितनी लंबी खिंच जाए, क्या हो कुछ नहीं पता। सिलेबस मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि आपको क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, और 90% आपका वही सिलेबस है जो SSC GD का होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप SSC GD का क्लियर करने के मादा रखते हैं या आप उसकी तैयारी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और कोर्स परचेस करने की ज़रूरत है। यहाँ ये आपकी पर्सनल ओपिनियन होगा, ये आपका पर्सनल इच्छा होगी कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर को, किसी यूट्यूब को फॉलो करते हैं तो उसके थ्रू आप जा सकते हैं, आप पे कोई मनाही नहीं है। लेकिन मेरी जो पर्सनल आपको सलाह रहेगी कि अभी इस पे इतना फोकस मत रखिएगा, क्योंकि फॉर्म आएगा, फॉर्म मुझे भी आने में लगता है कि इस महीने के लास्ट तक या अगले महीने, 1 से 2 महीने अभी और लगने वाले हैं इस फॉर्म को, उसके बाद 1 महीने का टाइम और दिया जाएगा, फिर एक
तो अगर आप एसएससी जीडी पर फोकस करते हैं तो इसको आप कवर कर लेंगे। आप मैंने पहले ही बताया कि 90% के आसपास वही सिलेबस घूम फिर के आता है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और आपका ये होने वाला है सिलेबस, मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर का है, तो सिलेबस लगभग वही है जो आपका एसएससी जीडी का होने वाला है। और कब से आने वाला है, 1 से 2 महीने लग जाएंगे, तो इसलिए पेड कोर्स मेरे हिसाब से अभी खरीदना वाजिब नहीं है। लेकिन इसकी ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो मेरिट है ना, यही आपकी फ्लक्चुएट करेगी और इसी के बिहा पे आपका सिलेक्शन होगा। तो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी कि आपके रिमाइंड रहे, आपको याद रहे कि ये एमईएस की कोई वैकेंसी चल रही है, उसको आपको देखना है, जिससे कि आप रिमाइंड रहें, आप उसके फोकस करते हैं। जैसे ही वैकेंसी आए मैं अपडेट तो कर ही दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगी मैं वहीं पर पीडीएफ या दूसरी तरह की जो सामग्री है मैं वहाँ पर डालता रहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।